बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हरीश जी, हर बार आरोप लगते हैं, वो तो कह रहे हैं हम जांच का सामना करने को तैयार है, हर सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद भी है, जांच में सहयोग कर रहे हैं, तो सवाल क्यों उठाते हैं? फिर घबरा क्यों रहे हैं? अगर जांच का सामना कर रहे हैं तो इस तरह की जो ये फ्रस्ट्रेशन है, घबराहट है, क्यों है? आज देश की जनता एक सवाल पूछ रही है कि 50 लाख रुपए में लोन सेटल क्यों हुआ 90 करोड़ का। सवाल ये है कि हजारों करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रकार से हलाल की जो प्रॉपर्टी है उसको कांग्रेस ने हत्याने का जो साजिश करी, उसका जवाब मांगा जा रहा है। कानून से ऊपर तो कोई है नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। आप याद करिए, जब मुख्यमंत्री होते थे नरेंद्र भाई मोदी, दिल्ली में आके उन्होंने ईडी का सामना किया, सबका जांच का सामना किया, कोई हो हल्ला नहीं। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने आप को कानून से ऊपर समझती हैं। अगर वो जांच हो रही है तो ये सत्याग्रह, प्रदर्शन, दबाव की जो राजनीति हो रही है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो क्यों हो रही है समझते तो ये, आप जाएं जो आपसे नहीं, उनका तर्क है कि ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, प्रोटेस्ट करना, अपनी आवाज रखना, अपना विरोध जताना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। देखिए कितनी हैरानी की बात है, अपने नेताओं को सेव करने के लिए तो सत्याग्रह होता है, लेकिन बाकी मुद्दों के ऊपर सत्याग्रह नहीं होता, बाकी मुद्दों पे बातचीत नहीं होती है। आज देश के अंदर आप बहुत सारी, तो आप चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरे? अरे हम तो कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए, संसद से कौन भाग रहा है? हम तो हर मुद्दे को सामना करने को तैयार है, ये संसद चलने दे रहे। मुद्दा क्या है? सोनिया गांधी पे कार्रवाई होनी हो रही है, इसलिए संसद में चलने देंगे। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। कुमार, सीधे आऊंगा आपके पास, तस्वीरें भी दिखाइए और ये बताइए कि कौन कौन से कांग्रेस के बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं इस वक्त। ये ऑडियो लेना एक बार। कुमार विक्रांत, आवाज मिल रही है आपको? विक्रांत, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल जी। तस्वीरें दिखाइए विक्रांत, तो बताइए कौन कौन से बड़े चेहरे कांग्रेस के नजर आ रहे हैं इस वक्त मुख्यालय पे। देखिए अभी यहाँ पर जो कांग्रेस सेवा दल है वो नारेबाजी कर रहा है, टेंट लगाया गया है, यूथ कांग्रेस के जो लड़के हैं वो पीछे नजर आ रहे हैं, झंडे लेकर के कांग्रेस के लोग हैं यहाँ पर, ये कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है बड़ी संख्या में। और अहम बात आपको बताऊं कि कल देर रात ये यहीं रुक गए थे क्योंकि चारों ओर पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है, कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, जिसके बाद ये लोग यहीं रुके हुए हैं रात से। और अब से कुछ देर बाद जो कई तमाम नेता, अशोक गहलोत जैसे तमाम बड़े नेता, अजय माकन, वो सब भीतर अभी बैठक कर रहे हैं। और एक और संसद में जो कांग्रेस के सांसद हैं उनकी बैठक हुई है। अब से कुछ देर बाद कांग्रेस मुख्यालय से ये ईडी के लिए मार्च निकलेगा और जो कांग्रेस के सांसद हैं वो संसद भवन से निकल कर मार्च करने के लिए बाहर निकलेंगे। और बाहर आप देख, अगर मैं आपको कैमरामैन के साथ जो तमाम पुलिस बल तैनात है उसको दिखाने की अगर कोशिश करूं, तो ये कांग्रेस मुख्यालय का गेट है और गेट के बाहर आप तैनाती देखिए, आप देख सकते हैं कि चारों ओर से बैरिकेड कर दिया गया है कांग्रेस मुख्यालय के गेट को। और रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, तमाम ये लोग तैनात हैं और दोनों ओर बसें लगी हुई हैं। तो जैसे ही कांग्रेस के नेता यहाँ से मार्च करने के लिए निकलेंगे, यहीं पर उनको रोका जाएगा, डिटेन करके इन बसों में ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम हैं यहाँ पर और तमाम पुलिस के लोग, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।